नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम स्टडी करेंगे आज डायग्रामेटिकली कि अगर एक हमारी डबल कोन है, तो डबल कोन को अगर एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो जो उसका सरफेस ऊपर से बनता है वो क्या एक सर्कल है, क्या पैराबोला है, क्या है हाइपरबोला है, और क्या एलिप्स है, और अगर इन सब में से कोई है तो उनकी इक्वेशंस क्या होगी। हम सर्कल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सर्कल मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया है, सो सर्कल के आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अब हम आज पैराबोला शुरू कर रहे हैं, पैराबोला के साथ हम एलिप्स और हाइपरबोला करेंगे। तो उनसे पहले एक बड़ा ही बेसिक लेक्चर है कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन में हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास लेट अस एक डबल कोन है हमारे पास, और ये डबल कोन को एक सरफेस जो है इस प्रकार से कट कर रहा है कोई भी प्लेन। तो हमारा जो टॉप का जो हमारा सरफेस आएगा दैट विल बी अ सर्कल, जो टॉप का सेक्शन आएगा वो एक सर्कल होगा। अगर इसको थोड़ा स्लांटिंग तरीके से, थोड़ा सा एंगल से काट रहा है, 90 डिग्री पे काट रहा है, जो इसकी लेट अस से दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन, ये हमारी कोन की एक्सिस है। अगर कोन की एक्सिस से 90 डिग्री पे काट रहा है तो ये सर्कल बनेगा। अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे काट रहा है, लेट अस से दिस इज द एक्सिस और दिस इज द एंगल, तो ये 90 डिग्री से अगर थोड़ा कम हो गया तो एलिप्स बनेगा। अगर ये दोनों एंगल जो ये एक्सिस है कोन की, लेट अस से दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन और ये जो इसकी पैराबोला की एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये जो एंगल है दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर इसके पैरेलल काट रहा है तो हमें जो सरफेस बनेगा दैट विल बी अ पैराबोला। और अगर दोनों तरफ से दोनों नैप, इसको नैप बोलते हैं जो कोन के, डबल कोन के हमारे दो नैप हैं, दिस इज अपर नैप दिस इज लोअर नैप, तो दोनों नैप को दोनों को काट रहा है तो हमारा सरफेस एक हाइपरबोला बनेगा। कैसे, आइए डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं, अगर कोई भी जो हमारा डबल कोन है उसको एक प्लेन कट कर रहा है, अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है, जहाँ जैसे मैंने इसमें क्लियरली दिखाया है, अगर ये एंगल बीटा जिस पे वो कट कर रहा है और ये प्लेन का जो कोन का एंगल है अल्फा है, तो अगर बीटा 90 है तो हमारा सर्कल बनेगा। अगर बीटा अल्फा से ज़्यादा है, ये अल्फा है, अल्फा से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो हमारा एलिप्स बनेगा। अगर बीटा और अल्फा बराबर हैं, अल्फा मींस ये कोन की ये वाली लाइन, कोन की ये वाली लाइन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारा पैराबोला बनेगा। सो आप देख सकते हैं सर्कल किस में केस में बनेगा, अगर इस एक्सिस के कोन के, डबल कोन के एक्सिस के 90 डिग्री पे प्लेन काट रहा है तो हमारा सर्कल बनेगा, अगर 90 डिग्री से किसी और एंगल पे काट रहा है तो एलिप्स बनेगा। अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, इस लाइन का एंगल और इस लाइन का जो एंगल है प्लेन का वो बराबर है, तो हमारा पैराबोला बनेगा। और अगर हमारा जो एंगल है ज़ीरो, जो बीटा हमारा एंगल है ज़ीरो से अल्फा के बीच में है, अगर हमारा एंगल बीटा इज़ मोर देन ज़ीरो, मोर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और अल्फा से कम है, तो हमारा हाइपरबोला बनेगा। इस केस में हमारे दोनों नैप्स कटेंगे, ऊपर और नीचे वाला, और हमारी जो कर्व बनेगी वो एक हाइपरबोला बनेगी। ये केस है जब हमारा स्पेशल केस, अगर हम मान के चले कि जो हमारा प्लेन है वो वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है, तो आप देख सकते हैं प्लेन हमारा वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा। अगर मैं वर्टेक्स से पास करने वाला केस बताता हूँ, वर्टेक्स से पास करने वाले केस में आप देखेंगे जब हमारा कोन वर्टेक्स से पास कर रहा है तो ये हमारा सर्कल और एलिप्स ये एक पॉइंट बन जाते हैं। सो इसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड केस ऑफ सर्कल एंड एलिप्स। इसी प्रकार अगर हमारा जो प्लेन है वर्टेक्स से पास करेगा लेकिन उसका एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाले केस में पैराबोला बनना चाहिए लेकिन बन क्या रहा है लाइन, तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। और इस प्रकार सिमिलरली अगर हमारा दोनों नैप्स को काट रहा है और उसके पूरे प्लेन में भी लाइक कर रहा है तो हमारी दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, जबकि हमारा बनना चाहिए था हाइपरबोला, तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला। ये उस केस में है जब हमारा प्लेन जो है वर्टेक्स के बीच में से लाई कर रहा है, वर्टेक्स प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। सो मैंने आपको तीनों समझाए केस के, अगर हमारा जो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट केस है, आप इसके ऊपर ध्यान दें क्योंकि इस पर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्लेन जो अगर काट रहा है एलिप्स को तो इतने एंगल पे काट रहा है तो क्या ये सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री पे काट रहा है तो सर्कल है, 90 से किसी और एंगल पे काट रहा है जो कि आपका लेस देन 90 है
तो आपका ये एलिप्स बनेगा। अगर बीटा इज इक्वल टू अल्फा है, मींस अगर ये दोनों लाइनें जो इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस पैरेलल है तो पैराबोला, और अगर दोनों नेप्स को काट रहा है और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, बीटा इज लाइंग बिटवीन जीरो टू अल्फा, देन ये हाइपरबोला बनेगा। अब मैं आपको इसकी इक्वेशन समझाता हूँ कि इनकी इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या सर्कल है, क्या पैराबोला है, क्या हाइपरबोला है या क्या एलिप्स है। तो आइए एक एक करके इसकी इक्वेशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। अब हम इस केस में फाइंड आउट करेंगे कि कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, कब ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, कब ये एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कब ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक एक करके इस जनरल इक्वेशन में से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी इसमें तक डेल्टा जो हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, एक आइडेंटिटी निकलती है इसकी, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ये हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। ये डेल्टा एक आइडेंटिटी निकलती है ए बी सी, इसको याद कैसे रखना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट एंड जो कॉन्स्टेंट सी है ए बी सी प्लस टू टाइम्स एफ जी एंड एच टू टाइम्स, उसके बाद बी जी स्क्वायर मीन्स ये जो दो पास की टर्म्स हैं इनका कॉफिशेंट और बी जी का स्क्वायर करके इंटू बी, और सी एच स्क्वायर एंड ए एफ स्क्वायर माइनस कर देने हैं। सो कंडीशंस क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। सो अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर दो लाइंस हैं और वो पैरेलल भी हैं, इसका मतलब डेल्टा तो जीरो है ही है, प्लस एक और कंडीशन है उस केस में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। सिमिलरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में है डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप देखेंगे कि अब ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला एंड एक केस और है रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा, ये केस हैं स्ट्रेट लाइन के, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मींस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू ईच अदर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर परपेंडिकुलर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद सर्कल के केस में आपको पता है, सर्कल के केस में अब ये सारे के सारे जितनी भी सिचुएशन बन रही हैं, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस केस में डेल्टा विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये बड़ा क्लियर है, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सर्कल के केस में आपको पता है एक्स का कोफिशियंट एंड वाई का कोफिशियंट इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू बी एंड एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो होता है, एच इज इक्वल टू जीरो। ये हम सर्कल में पढ़ चुके हैं। पैराबोला के केस में क्या होता है, पैराबोला के केस में डेल्टा विल रिमेन सेम, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, डेल्टा जीरो नहीं है, एच स्क्वायर ए बी है। एलिप्स के केस में एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, पैरा हाइपरबोला के केस में एच स्क्वायर इज मोर देन ए बी एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एच स्क्वायर इज मोर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इस चीज़ का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री, इसकी एक डेल्टा टर्म निकलती है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, कब ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जीरो है तो इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके दो केस बनते हैं, पैरेलल है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है। अगर डेल्टा नॉट जीरो है, ए इज इक्वल टू बी है, एच इज इक्वल टू जीरो है, सर्कल है। अगर पैराबोला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, एलिप्स है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। हाइपरबोला है, एच स्क्वायर इज मोर देन ए इन टू बी। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो इसके ऊपर कुछ ईजी क्वेश्चन जो आए हैं एनसीईआरटी में, एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। आइए ट्राई करें फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। वो पूछा गया है जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट। सो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमें पता है इक्वेशन। अब हम अगर कंपेयर करें, आप देखेंगे इसने सर्कल, पैराबोला, लिप्स, हाइपरबोला, मतलब चार इक्वेशन इसने जो चार चॉइस दी हैं उसमें ये मान रहा है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर इसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी होती फिर मैं डेल्टा चेक करता। आपको डेल्टा भी मैंने बता दिया, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। सो अभी आपको डेल्टा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा मान के चलते हैं नॉन जीरो है, क्योंकि इसने चॉइसिस में पूछा नहीं है। हमें सिर्फ चेक क्या करना है, एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यूज़, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों में रिलेशन क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें सिर्फ इतना ही फाइंड करना है। सो सबसे पहले अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू 16 और 2h इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब है h इज इक्वल टू 4। और b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू 1, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एच स्क्वायर इज 16 एंड a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी, a इंटू बी की वैल्यू हो गई हमारी a इंटू बी, a इज 16। सो a इंटू बी की वैल्यू होगी हमारी 16 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 16। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के केस में हमें पता है पैराबोला होता है पैराबोला, सर्कल इसलिए भी क्लियरली नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशियंट जो है वो सेम नहीं है और एक्स वाई का कोफिशियंट इसमें जीरो नहीं है, 8 है। सो सर्कल नहीं है, पैराबोला है। सो ये सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो कॉनिक सेक्शन के एक जनरल जो जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में, अगर जनरल डिफाइन करना हो कॉनिक सेक्शन तो कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको कौन के सेक्शन बता दिए कि कैसे सर्कल बनेगा, कैसे लिप्स बनेगा, कैसे पैराबोला बनेगा, कैसे हाइपरबोला बनेगा। अगर मैं इसको फिर भी मैथमेटिकली अगर जनरल डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? सो फ्रेंड्स, जनरल जो डेफिनेशन है कॉनिक सेक्शन की, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन ये है कि कोई एक पॉइंट का लोकस, लेट अस से पी पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है एस, कोई भी पॉइंट पी का लोकस, जो पी पॉइंट है लेट अस से जिसका लोकस फाइंड करना है एच के कह देते हैं, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है लेट अस से दिस इज़ अ डिस्टेंस, और ये एम पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस लेट अस से ये पॉइंट है अल्फा बीटा। सो कॉनिक सेक्शन का मतलब है, कॉनिक सेक्शन का मतलब है कोण की अगर इक्वेशन ड्राइव करनी है, वो हाइपरबोला भी हो सकता है, वो पैराबोला भी हो सकता है, लेकिन देर इज़ ए कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ। इसेंट्रिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो मैं कहूँ एस पी अपॉन पी एम, दिस इज़ कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। कॉनिक सेक्शन का मतलब है कोई भी कोण, चाहे वो आपका पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है,
ये ई रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगी। अगर पैराबोला में ये दोनों डिस्टेंस बराबर रहेंगे, ई विल बी इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, ई विल बी लेस देन 1 बट मोर देन 0, देन इट इज एलिप्स। इसेंट्रिसिटी अगर आपकी 0 से ज़्यादा है, 1 से छोटी है, एलिप्स है, ई इज मोर देन 1, देन इट इज हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन में जो पी का लोकस है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एस, एस इज कॉल्ड फोकस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स रिमेन्स द सेम। मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, कॉनिक सेक्शन की क्या डेफिनेशन आएगी, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन बनेगी, कॉनिक सेक्शन में जो इक्वेशन आएगी, द इक्वेशन इज द स्टडी ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज फोकस एंड अनदर लाइन विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दीज टू लाइन रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये पैराबोला है, अगर ये दोनों डिस्टेंस में ई लेस देन 1 है तो एलिप्स है, अगर ये ई ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला है। हमें पता है हम लोकस कैसे फाइंड करते हैं, लोकस अगर मेरे को पी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है तो मैं यहाँ से एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, एस पी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एम। पी एम क्या है, जो वर्टिकल इन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो पी एम क्या होता है हमारा, ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पी एम हो गया एंड दिस इज इक्वल टू ई। इसेंट्रिसिटी अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो मेरा बन जाएगा एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई, एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आ गया ए एच प्लस बी के प्लस सी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये लोकस है पी का, अगर मेरे को लोकस फाइंड करना है क्योंकि मेरे को कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन ड्राइव करनी है कॉनिक सेक्शन की, तो मैं एच को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा एंड के को वाई से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि मैं लोकस फाइंड कर रहा हूं। सो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन आ जाएगी, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई इज द सेंट्रिसिटी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कौन हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन में। जनरल इक्वेशन ऑफ कौन क्या हो गई, कोई भी कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन मीन्स जो कौन का हमने सेक्शन किया है, चाहे वो पैराबोला है, चाहे वो एलिप्स है, चाहे वो हाइपरबोला है, सो तीनों इस इक्वेशन को आपकी सेटिस्फाई करेंगे। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन हो गई, कौन के सेक्शन हमने बनाए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और उसके सेक्शन में हमने ये देखा कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ कौन है, कॉनिक सेक्शन है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करेंगे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में कैसे हम निकालेंगे, पी पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे, किस प्रकार के कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन जो है ट्राई करवा देता हूँ, देर आफ्टर वी विल मूव टू पैराबोला। आइए, सो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इज हमें डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन पूछी है। क्वेश्चन में जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया कि कोई भी पॉइंट पी जो है उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से एंड जो फोकस से एस से, ये डिस्टेंस की रेशियो फिक्स रहेगी इन केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब ये पैराबोला है, पैराबोला के केस में ये दोनों डिस्टेंस बराबर रहेंगे बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1,
सो एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू वन है. सो एस पी मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस है, एंड पी एम क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे हमने इसको अल्फा बीटा लिया था. सो अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लें. अगर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25. मैं इसको यहाँ ले आया. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मॉड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई 25 को आई कैन राइट लाइक दिस, थ्री होल स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा P पॉइंट का लोकस, ये उसकी जनरल इक्वेशन हो गई. सो डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन आ रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो ये हमारा बी आंसर है. सो ये बड़ा ही डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला हमने बड़ा ईजी तरीके से निकाल लिया उसकी बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करके. फ्रेंड्स एक टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉनिक सेक्शन का एक जो और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे कॉनिक सेक्शन का सेंटर कैसे निकालना है. मैं उसका आपको डिटेल में बता देता हूँ. सो फ्रेंड्स कॉनिक सेक्शन का सेंटर कैसे निकालना है. कॉनिक सेक्शन हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर मैं इसको एस कह लूँ, सो एस इज दिस कर्ल एक्स बाय कर्ल एक्स कर्ली एक्स बाय कर्ल एक्स. अगर एस को पार्शियल डिफरेंशिएशन करें मैं एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसमें हम निकालेंगे इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं वाई को अगर कॉन्स्टेंट रीड करके चलूँ तो ये मेरा डी एस बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, कर्ल एस बाय कर्ली एक्स कितना हो जाएगा, टू ए एक्स प्लस ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगी प्लस टू एच इंटू वाई प्लस टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो. कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, ये टर्म जीरो हो जाएगी. यहाँ पे आ जाएगा टू बी वाई प्लस टू एच एक्स प्लस टू एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन मिल जाएगा. मैं एक आपको सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी आपको ट्राई करवा देता हूँ. आइए एक क्वेश्चन ट्राई करें सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन के ऊपर. सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द कॉनिक, जो हमें इक्वेशन दी हुई कॉनिक की 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 51y प्लस 71 इज, हमें चार चॉइसेस दी हुई हैं. सो मैंने आपको बताया था अगर हम इसको s मान लें s, सो कर्ली s अपॉन कर्ली x विद रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएशन करूं इसका वो क्या होगा हमारा 28x, इसमें से हमारा आ जाएगा माइनस 4y. ये हमारी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वाई को जीरो, वाई को कांस्टेंट मान के. इसमें से आ जाएगा माइनस 44 इज इक्वल टू ज़ीरो. इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ सो ये मेरा बन जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो. कर्ली एस अपॉन कर्ली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करूँ दैट विल बी माइनस 4x प्लस 22y माइनस 58 इज इक्वल टू ज़ीरो. इसको मैं सिंप्लीफाई करूं दिस विल बिकम माइनस 2x प्लस 11y माइनस 29 इज इक्वल टू ज़ीरो. सो ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे आपको जो सेंटर ऑफ द कॉनिक मिल जाएगा. ये एक क्वेश्चन था जो मेरे को लगा करवाना चाहिए. सो 7x माइनस y इसको मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हम ऐड कर दें तो ये आपका x का कोफिशियंट हो जाएगा 77 माइनस 2 75x, y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 121 एंड माइनस 29 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो 75x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 150. सो x इज इक्वल टू 2. अगर x 2 है हमारा सो x 23 माइनस 2332. सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस 2 इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर दूँ इनटू एक्स टू प्लस 11 वाई
इज इक्वल टू 29, सो 11y इज इक्वल टू 29 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 33, सो y इज इक्वल टू 3, सो 2, 3 इज द आंसर, सो a इज द आंसर, सो सेंटर ऑफ द कॉनिक इज 2 and 3. सो कैसे फाइंड करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉनिक सेक्शन का जो टॉपिक था, बड़ा बेसिक टॉपिक था, वो मैंने कवर किया. कॉनिक सेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार कोन को, डबल कोन को हम कट करेंगे तो सर्कल बनेगा या एलिप्स बनेगा या पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा. उसके बाद मैंने कॉनिक सेक्शन की आपको इक्वेशन बता के वहाँ पे आपको मैंने डेल्टा से बता दिया कि डेल्टा नॉट जीरो होना चाहिए. अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, पैराबोला है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, एलिप्स है, एच स्क्वायर मोर देन ए बी है, हाइपरबोला है, एच स्क्वायर मोर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, उस केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. और अगर डेल्टा आपका जीरो है, जो स्टार्टिंग में हम टर्म लेते हैं डेल्टा, डेल्टा जीरो है, तो देन इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. उसके मैंने आपको 3-4 जो ऑप्शन बनती हैं वो बता दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, पैरेलल ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर, एंड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी एक पॉइंट, वो शायद मैंने बताना रह गया था, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट. सो यहाँ पे कॉनिक सेक्शन का जो टॉपिक है वो मैं ख़त्म करता हूँ. कॉनिक सेक्शन में इतना ही है बताने के लिए. अब मैं चलता हूँ पैराबोला की तरफ. पैराबोला में हम शुरू करेंगे आज, बड़ा बेसिक पैराबोला आज शुरू करेंगे. आइए पैराबोला करते हैं.